नथिंग। वैसे तो इस वर्ड का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन इस नाम की टेक कंपनी पिछले 2 सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नथिंग ईयर 1, नथिंग फोन 1 और नथिंग ईयर स्टिक के बाद अब कंपनी ने लॉन्च कर दिया है नथिंग ईयर 2, जो कि दिखने में पूरी तरह नथिंग ईयर 1 जैसा ही है। और देखा जाए नथिंग ईयर 1 के मुकाबले इसकी जो कीमत है वो 2700-2800 रुपये ज़्यादा हुई है, और 10,000 रुपए की कीमत में आने वाला ये नथिंग ईयर 2 ईयरबड्स, जिस हिसाब से इस ईयरबड में फीचर्स शामिल किए गए हैं, क्या ये इसकी कीमत को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, इस रिव्यू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम इसे सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट ही कहेंगे, अब लुक्स वाइज तो कोई बदलाव नहीं हुए हैं, बदलाव इस ईयरबड में तकनीक को लेकर हुए हैं। दिखने में ये पूरी तरह पुराने नथिंग ईयर 1 की तरह ही लगेगा, अंतर सिर्फ यही दिखेगा कि ईयर पीस स्टेम पर नथिंग ईयर 2 लिखा हुआ है। किसी किसी को पुराना वाला ही डिजाइन पसंद आया है तो किसी किसी को पसंद नहीं आया। इसमें सिर्फ एक कलर ऑप्शन ही मिलता है, ट्रांसपेरेंट एंड व्हाइट। इसके अलावा चार्जिंग केस पहले से थोड़ा छोटा हुआ है, इसकी बैटरी क्षमता भी 485 mAh की मिलती है। चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है और साथ ही आप इसे वायरलेस तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं। अब इसके डिजाइन में सबसे बड़ी कमी क्या है? देखो 15-20 दिनों से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका जो केस है वो बहुत जल्दी गंदा हो जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं या फिर आप कहीं किसी सरफेस पे इसे रखते हैं तो वहां से इस पे स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। बस यही नथिंग ईयर 2 मुझे थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए हैं। अब अगर आप इन ईयरबड्स को यूज करते हैं, यानी कि अपने कान पर पहनते हैं, तो ये प्रॉपर फिट आते हैं और इनके साथ डिफरेंट साइजेस के हिसाब से बड्स भी दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर आपका कान बड़ा है तो बड़े बड्स है, थोड़े छोटा है तो छोटे बड्स है। और बेस्ट पार्ट यह है कि इन कैनाल प्रॉपर फिट आते हैं, और वर्स्ट पार्ट यही है कि अगर आप 2-4 घंटे यूज करते हैं, फिल्म देखते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहां आपको ज्यादा लंबा यूज करना पड़ता है, तो आपके कानों पर ना दर्द होने लगता है। इसके अलावा बदलाव के तौर पर आपको कंट्रोल्स के लिए फोर्स टच सिस्टम मिल जाता है, जबकि पहले टच जेस्चर मिलता था। इन कंट्रोल्स को ऐप के जरिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्लेबैक एंड वॉल्यूम कंट्रोल के अलावा वॉइस असिस्ट और ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड्स में भी स्विच कर सकते हैं, और वाकई ये काम भी अच्छा करता है। नथिंग ईयर 2 के ईयर पीसेज में IP54 रेटेड डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, जबकि चार्जिंग केस IP55 रेटिंग के साथ आता है। ईच ईयर पीस में आपको 3 माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं, जो कि वॉइस फंक्शनैलिटी और ANC के लिए एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं। गूगल फास्ट पेयर, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर एंड मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी के चलते इन्हें 2 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। LHDC के तौर पर इसमें 24-bit एडवांस्ड कोडेक दिया गया है, जिसके चलते ये ज्यादा से ज्यादा ऑडियो डेटा कंपेटेबल सोर्स डिवाइसेस से ले सकता है। अगर आपको नथिंग ईयर 2 के कस्टमाइजेशन एंड सेटिंग्स में बदलाव करना है तो आप नथिंग एक्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही उपलब्ध है। बैटरी लेवल्स, टॉगल ANC मोड, एडजस्ट इक्वलाइजर सेटिंग्स और ईयरपीस कंट्रोल्स को आप बदल सकते हैं। ऐप को अच्छी तरह डिजाइन किया गया है और इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको वाओ फैक्टर तो नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट बेस काफी ज्यादा है और म्यूजिक के आउटपुट की क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। सबसे ज्यादा मैंने इसे जिम में वर्कआउट करने के दौरान इस्तेमाल किया है, जहां इसने काफी बेहतर प्रतिक्रिया दी है। रनिंग करनी हो या फिर स्किपिंग, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो ईयर पीस आपको आसानी से 3-3.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देते हैं, अगर आपने ANC मोड ऑन किया हुआ है। और ये जो चार्जिंग केस है, ये ईयर पीस को 4 बार चार्ज कर देता है, तो ऐसे में कैलकुलेशन लगाई जाए तो 14-15 घंटे आप विद ANC इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने ANC मोड ऑफ किया हुआ है तो आपको इजीली 18-20 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप 10,000 रुपए की कीमत में एक ऐसा ईयरबड चाहते हैं जो कि दिखने में ठीक ठाक हो, बेहतर बैटरी लाइफ भी दे, साथ ही म्यूजिक के मामले में आपको निराश न करे और बेहतर ANC मोड के साथ भी आए, तो आप नथिंग ईयर 2 को कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि नथिंग ईयर 2 का एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं।